टोंक जिले में लगातार कोहरे और तेज सर्दी से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम होने से हाईवे पर वाहनों के पहिए भी थम गए हैं। शीतलहर से जिले का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने धूप नहीं निकलने की संभावना जताई है। देश भर में शीतलहर का प्रकोप जारी है, वहीं दूसरी ओर लगातार पड़ रहे कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। लगातार पड़ रहे कोहरे के चलते वाहन चालकों सहित अन्य लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज कोहरे तथा ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हम इस वक्त राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर कोटा पर स्थित गाँव मोटुका के समीप मौजूद है, जहाँ पर गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग से जो वाहन गुजर रहे हैं वह वाहन अपनी हेडलाइट का उपयोग कर रहे हैं। वहीं लगातार जो शीतलहर है और कोहरा है, कोहरे से किसानों की चेहरे खिले खिले नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है लगातार पड़ रहे कोहरे से सरसों से गेहूं सहित अन्य जो फसलें हैं वो फसलों के लिए वरदान साबित होगा। पड़ रहे कोहरे से दूसरी ओर जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, रजाइयों में दुबके हुए हैं और सर्दी का बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। कजोड़ गुजर A1 TV निवाई टोंक।